दोस्तों दक्ष मेरे भाई, मेरे गाइड, मेरे सब कुछ आगे चले हुए हैं और बता रहे कि जंगल कितना विशाल है। जय भोले शंकर, ओम बनाया हुआ है पेड़ पे और ये बाहुबली लोगों की कलाकारी है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जंगलों के बीच, आप सोच रहे होगे भाई इतने जंगल कैसे आए, कोटरू तो बिल्कुल साफ है, तो हम कहाँ आए दक्ष? आज तो हम आए हैं नक्सेट की अपनी बुई के घर। बहुत टाइम बाद दोस्तों, मुझे पता है एक दिन हमने मिस कर दिया है कल, और माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए, पर आज हम आपको घुमाते हैं भाई साहब, इसी व्यू का हम वेट कर रहे थे। गाइस यहाँ पर जंगल ही जंगल, हम जंगल में पहुँच चुके हैं और बुई ने बोला कि जंगल घूम के आओ और गाय को देख के भी आओ, गाय को भी देख के आओ। और अभी हमको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, कहाँ से रास्ता है, तो अब हम चले हैं है। तो अभी गाय पता नहीं कहाँ है, कौन से रास्ते में है। भाई कोटरू में वगैरह थी जंगल होते, क्या मज़ा आता है भाई। बहुत बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हैं, हमारे गांव में जैसे पेड़ दिखे वैसे उड़ा देने। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है वो ढंकार, ये नीचे जो पत्थर के ऊपर है, हम इस पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं। हमें पता नहीं कि कब जैसे पत्थर खिसकेगा नीचे की ओर और हम कैसे ऊपर के लेने पड़ जाएंगे भाई, क्या ढंकार है अगर गिरा ना कोई। और दोस्तों आप यहाँ पर सातरा देख सकते हो, अगर इस पे किसी का पैर लग गया और वो फट दे के फिसल जाता है। अभी मैं भी फिसल गया था यहाँ पीछे से और सीधा नीचे जाता शायद। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बुआ और मामू के बेटे मिस्टर रवि। तो रवि भी हम आपको गाइड कर रहे हैं आगे के लिए, वहाँ पे और बड़ी चट्टान है तो हम वहाँ जा रहे हैं घूमने। दक्ष थक तो नहीं गया मेरा भाई? दोस्तों यहाँ पे है शाही की डॉइन, इसके अंदर शाही मिलता है, पर अभी तो ये बंद है, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपका शाही का क्या बोले आपको, ज्वाल टाइप मतलब खंदा लगाया है, बाकी सारे मतलब रास्ते बंद किए गए हैं, जैसे यहाँ पे शाही आएगा और फंस जाएगा और वहीं पे उसकी मौत हो जाएगी, क्या बोलते दक्ष? चले फिर आगे। ओ भाई साहब, नीचे तो ढंकार ही खतरनाक है, खतरनाक ढंकार है, मैं कहा खतरनाक ढंकार है नीचे, नहीं नहीं चलो ढंकार होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो हम पहाड़ी है, तो दक्ष को बिल्कुल डर लग रहा है और डर डर के चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही पतला रास्ता है और फिसले तो सीधा नीचे और नीचे से सीधा ऊपर, तो दक्ष बिल्कुल डर डर के आगे चल रहा है और पीछे चल रहा हूँ मैं ताकि कहीं दक्ष गिर ना जाए, पर डर तो मेरे को भी लग रहा है दक्ष। रविया तो कहाँ पार पहुँच गए भाई साहब, आखिरकार दोस्तों इस मुश्किल को पार करके रवि भाई ले आए हमें सबसे टॉप पे। यहाँ पे एक फ्लैट पत्थर है और यहाँ पे आप आइएगा भी, थक गया मैं तो यार। यहाँ से नीचे देखिए दोस्तों, तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि बस निपटने का काम है अगर गिर गए तो। ये है अपने न्यारे प्यारे दक्ष चौहान जो यहाँ पे बच्चों के झूले में झूल रहे हैं। मेरा टहना टूटा ना देख लियो, टांग पक्का टूटेगी साथ में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल घने जंगल में, चारों ओर जंगल ही जंगल, और आप धुंध दे सकते हो कितने नजदीक पहुंच चुके हैं वहीं पर। सकते हैं यहाँ पे जय भोले शंकर, ओम बनाया हुआ है पेड़ पे और ये बाहुबली लोगों की कलाकारी है। जय भोले शंकर, वहाँ पर देख सकते ओम ओम नमः शिवाय। और अभी हम जाएंगे बहुत ऊपर, आधा घंटा हो गया वहाँ चल चल के। तो दोस्तों नियर अबाउट एक घंटे के बाद हम पहुँच चुके हैं बादलों के ऊपर, अब हम बस बादलों में लेटे हुए हैं,
यार मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इस पहाड़ के ऊपर आ गए जो बहुत ही सुंदर है देखने में। यहाँ से देखिए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है नीचे। और यहाँ पे हमारे दक्ष चौहान भाई, लेट जा, अभी तक तो लेटा हुआ था तू। और यहाँ हमारे साथ रवि भैया जो हम आपको लाए है एज अ गाइड। रवि भाई बोलना चाहेंगे आप कुछ? बोलो कुछ यार। दोस्तों धीरे धीरे धुंध फैल रही है चारों ओर, और आप यहाँ पर नीचे नीचे देख सकते हो, नीचे से ऊपर ऊपर आ रही है धुंध, और वहाँ पर चारों ओर धुंध फैल गई है। अब हम भी धुंध में गिरने वाले हैं, हमारे चारों ओर धुंध ने हमें घेर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर तो आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे ढंकार है, और यहाँ पर उसकी दूसरी साइड यहाँ पर है सेब के पौधे और कुछ लोगों के घर। दोस्तों हम टॉप से नीचे को आ रहे हैं अब टीर होते, और हम चल पड़े हैं वापस को। दक्ष तो बड़े ही तेज भाग रहा है, रवि भी अभी आगे चल रहे हैं, और जंगल होते होते हम जा रहे हैं। ज़रूरी है, घना जंगल यहाँ पर बहुत बड़ा है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा, और लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे। तो चलते और पहुँचते हैं घर को अब। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर को, और ये घर में है पाव चौहान। बड़े टाइम से ये लड़की दिखती नहीं है व्लॉगों में, क्यों नहीं दिखती है भाई? अरे यार, यहाँ पे हमारे साथ है पल्लू। पल्लू कुछ कहना चाहेगी? कहाँ से चोरी की तुमने इतने सारे शक्कर पारे? दक्ष भी खा रहा है, मेरे को नहीं देने, बस है ना, मेरे को नहीं देने तुम लोगों ने। आप तो खाते हैं इनको? दो यार, मेरा तो फेवरेट है। एक ये है हमारे मामू जी। नमस्ते मामू। नमस्ते जी। और यहाँ पे है कौन है हमारे साथ यहाँ पे? दक्ष के परे हमारी बूजी। नमस्ते बूजी। और ये है हमारे भैया का बेटा, रवि भैया का बेटा छोटा काका। हाय, हेलो बोलो। हेलो हेलो काका। काका हेलो, हेलो हेलो हेलो। मेरे को देख के तो रोता ही है। यहाँ पे हमारे साथ पल्लवी और मिकी दी है भाभी। यहाँ पे छिले जा रहे हैं मटर, और यहाँ पे आलू काटे जा रहे हैं। पल्लू क्या कर रहे हो आप दो दो फोन एक साथ? कैसे कैसे चला लेते हो? ऐसे हाथ ऐसे किया। तो हम खाएंगे मटर, आपको दिखाते हैं कैसे खाते हैं। पहले इसमें कीड़े देखिए। ये डिफेक्टेड मटर, ऐसा मटर इन्होंने गंदा डाला इसमें। मेरे को प्यारा चरस गांजा, मेरे को प्यारा। दोस्तों हम आए शक्कर पारे के पौधे के पास, और मेरा तो फेवरेट है शक्कर पारा। दक्ष ने तो अभी तक पता नहीं कितने सारे खा लिए। मेरा भी फेवरेट है, बहुत मजा आ रहा है इनको खा के। कैसे खाते दक्ष, ललचा के थोड़ा? ये होता है शक्कर पारा, इसको हमें दो साइड फाड़ना है, जो कि मैंने फाड़ दिया है। इसके अंदर होती है गुठली, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। पर इसको भी अपने पास रखना है। इसको रखते अपने पास है, पर हम फेंक रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत है, पूरा पेड़ पड़ा है। और ऐसे फाड़ा, और एक साथ है चीनी और गुड़ भी। इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है भाई, नो कॉम्पिटिशन। ग्रीनिंग दोस्तों, आप सोच रहे होने भाई कहाँ एंड कर रहा है तू, मामू के घर से यहाँ का कैसे पहुँच गया? तो दोस्तों जो ये पेन ड्राइव है ना, मेरी पेन ड्राइव, तो ये भाई साहब धुल गई थी दो तीन दिन से। मतलब मैं टेंशन में था भाई, क्योंकि इतना मस्त व्लॉग बना था, और हमें लगा था कि भाई साहब इस पेन ड्राइव कब ठीक होगी। तो मैंने मतलब धूप तो लगी नहीं थी क्योंकि दो दिन तो बारिश थी। उसके बाद मैंने पेन ड्राइव रखी सुखाने के लिए, तो सूखने के बाद भाई साहब ये ठीक हो गई कम से कम, और अब जाके हम ये अपलोड कर पाए हैं व्लॉग। एंड एंडिंग हम भूल गए थे दोस्तों करना, सो सॉरी। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कीजिए कमेंट्स के थ्रू। बताइए हमें कि कैसे इम्प्रूव करें, और मतलब क्या नया चाहते हैं आप लोग। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है,
और मिलता रहे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।